हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। सो छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एग्जामिनेशन में सिर्फ 15 डेज का टाइम बाकी रह गया है, एंड ऐसे में बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पेपर वन की तैयारी बिल्कुल भी शुरू नहीं की है। तो क्या पेपर वन 15 दिन में पूरा हो सकता है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो या नहीं, ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में है, जिसका जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसकी मदद से बहुत इजीली आप सभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो इसी के साथ फिर शुरू करते हैं डिस्कशन। सो पेपर वन में टोटल 10 यूनिट्स है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, इन 10 यूनिट्स को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अरेंज कर लेना है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, उनको मैथ्स बहुत पसंद है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका थियोरेटिकल पार्ट बहुत अच्छा है, या फिर जिन्होंने बीएड कर रखा है। तो ऐसे बच्चों को अपनी पसंदीदा यूनिट को अरेंज करना है सबसे पहले। इसके अलावा आप लोगों को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर वन में कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस में लिखे हुए टॉपिक्स को उठाते हैं और एज इट इज उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ हेल्प करेगा इजीली 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में। इस कंप्लीट कोर्स में हम डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस आपको कवर करने की गारंटी देते हैं। लाइव लेक्चर्स के अलावा स्टूडेंट्स आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोज भी हैं, जिसकी ये आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा कि क्विकली आप 1 से 2 दिन में एटलीस्ट एक यूनिट को अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके लिए न्यू 15 डेज बैच स्टार्ट होने वाला है। आप देख सकते हो फुल सिलेबस ऑलरेडी यहाँ पर आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कवर कर दिया गया है। 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, इसको आपने अभी ये 15 दिनों में पढ़ना है। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे ये मॉक टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, लिमिटेड पीरियड के लिए 50% ऑफ चल रहा है। फ्री वीडियोज और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जो कि मिलेंगे ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको सिर्फ कोर्स का नाम लिखना है, कंटेंट पर क्लिक करिए। जैसे ही इस पे जाओगे आप देखोगे फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट ये मेरा कोर्स है। इसमें मेरे क्लासेस के पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि सिंपल लैंग्वेज में इमेजेस के साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हर एक चीज पढ़ाई गई है, ताकि स्टूडेंट्स कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को आसानी से समझ सके। और भी कोई डाउट्स है तो आपके साथ हम अपने व्हाट्सएप नंबर्स शेयर कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सो इसके अलावा स्टूडेंट्स, डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो ये एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन के नाम से। ये आपको हेल्प करेगा तैयारी में, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने बहुत से क्लासेस के पीडीएफ शेयर किए हैं, जैसे 200 एमसीक्यूज शेयर किए हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने हैंड रिटन कुछ नोट्स शेयर किए हैं, वो पढ़ लेना। तो 15 डेज में अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो बहुत आप लोगों को बेनिफिट होगा। अब बच्चे ये भी सोचेंगे कि मैम, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, तो वो क्या सफिशियंट नहीं है? तो देखो, सिर्फ वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब उस कॉन्सेप्ट में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं, ये आपको सिर्फ मॉक टेस्ट बताते हैं। तो यही सब चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं, ना सिर्फ आपके छत्तीसगढ़ के पीवाईक्यूज, बल्कि नियरेस्ट देखिए एमपी सेट है, उसके पी वाई क्यूज भी आपको जरूर पढ़ने हैं, अदर स्टेट्स के पी वाई क्यूज भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। साथ ही यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, वो सब चीजें आपको इस सीरीज के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक लास्ट और फाइनल गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि कैसे 15 दिन में सिलेबस को पूरा किया जा सकता है। एंड साथ ही जैसे मैं आपको बता रही थी कि सिलेबस देखकर अगर आप पढ़ोगे तो आप लोग बिल्कुल गलत ट्रैक पर जाओगे, कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि पेपर वन जो रहता है सेट और नेट का, उसमें बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं किए हुए हैं लेकिन एग्जाम में आते हैं। कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके सामने है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देखो ये टॉपिक कहीं पर आपको सिलेबस में दिख रहा है? नहीं दिखेगा। ब्लूम का वर्गीकरण नाम का टॉपिक नहीं दिखेगा, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें से जरूर बनते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च यूनिट नंबर 2 से सैंपलिंग, यानी कि नमूनाकरण। इसके टाइप्स में से गारंटेड 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा। तो स्टूडेंट्स,
गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं या गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही आप लोगों के लिए ये कोर्सेज हमने लाए हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, डाउट्स है तो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ फिर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।